MIUI 15 testing started for Redmi Note 11 series, Redmi Note 12 series एंड Redmi K60 series और यहाँ पे बहुत सारे Xiaomi devices हैं जिनमें MIUI 15 की टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो भी स्टेबल अपडेट्स के लिए। वो बात अलग है कि आपको स्टेबल अपडेट से पहले इंटरनल अपडेट, बेटा अपडेट ये सभी देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे MIUI 15 की इंटरनल टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। Xiaomi सीरीज में से Xiaomi 11, Xiaomi 12, Xiaomi 13 सीरीज, Xiaomi CV सीरीज, Xiaomi Mi Mix Fold सीरीज एंड Xiaomi Pad 6 सीरीज और इसी के साथ Redmi Note 11 सीरीज, Redmi Note 12 सीरीज, Redmi K40, K50 एंड K60 सीरीज। तो इन सभी सीरीज के लिए MIUI 15 की टेस्टिंग Android 14 पर बेस्ड स्टार्ट हो चुकी है। मेरे हिसाब से इन सभी डिवाइसेस में हमें Android 14 देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अभी इनके चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि Xiaomi 11 सीरीज, Xiaomi 12 सीरीज, Xiaomi 13 सीरीज में तो Android 14 देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन Redmi K40 सीरीज और Redmi Note 11 सीरीज में कंफर्म नहीं है कि Android 14 देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि Redmi Note 11 सीरीज, Redmi K40 सीरीज Android 11 के साथ लॉन्च हुई थी और उनको दो Android के अपग्रेड्स देखने के लिए मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंटरनल टेस्टिंग है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो चुकी है और ये शो भी करती है कि इन सभी को एंड्रॉयड 14 देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे ये MIUI 15 की जो इंटरनल टेस्टिंग है, ये Redmi Note 11 4G चाइना, जो इंडिया में Redmi 10 Prime, ग्लोबल में Redmi 10 के नाम से है, और Redmi Note 11 5G, Note 11 E Pro, जो Poco X4 Pro और Poco M4 Pro 5G देखने के लिए मिलते हैं। Redmi Note 12 सीरीज चाइना, ग्लोबल, इंडिया सभी में बिल्कुल सेम है, और Redmi K40 सीरीज, Mi 11X, Mi 11X Pro, Redmi K50 सीरीज और Redmi K60 सीरीज यानी कि Poco F5। तो यहाँ पे इन सभी सीरीज के लिए MIUI 15 की इंटरनल टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपका इसमें से कोई सा भी डिवाइस अवेलेबल है तो वो भी कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं। मैं इससे रिलेटेड एक और डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना और ज्वाइन भी कर लेना मेरा टेलीग्राम चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।